कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि हम किडनी का डायग्राम कैसे बनाएं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे लाल बटन का सिंबल दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और साइड में बेल आइकन भी आएगा तो उस पर भी क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, जो हमारी अगली आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, किडनी का डायग्राम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, टू बीन्स बनानी है, मतलब ऐसे करके। ये कई सैम देखी है आप लोगों ने, जो उसके बीज होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये बना लिया। उसके बाद जो हम ट्यूब्स बनाएंगे वो इस तरीके से निकाल के ऐसे निकाल देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के फिर से एक और पाइप अटैच कर देंगे, यहाँ से भी ऐसे कर देंगे। ओके, अब हम बनाएंगे एक और, ये कुछ इस तरीके से कर देंगे। देखा फ्रेंड्स कितना इजी है किडनी का डायग्राम बनाना। ये अपना डायग्राम रेडी हो गया। अब हम यहाँ से ब्लड वेसल्स बना देंगे इजी तरीके से। बस किडनी का डायग्राम रेडी। ये था किडनी का डायग्राम। अब हम इसके नाम बता रहे हैं। ये दो क्या है, अपनी किडनी है। और ब्लड किधर से आता है, आर्टरी और वेन्स से। तो आर्टरी और वेन्स कहाँ है, यहाँ पर आर्टरी वेन्स। देन उसके बाद ये क्या होती है, ट्यूब्स, इसको बोलते हैं हम यूरेटर। और जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है उस वाले स्पॉट को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और देन जब यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल हो जाता है उसके बाद किसके थ्रू बाहर जाता है, यूरेटस के। एक बार हम एनाटॉमी देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमारा किडनी का वर्क क्या होता है, किडनी का वर्क होता है ब्लड को फिल्टर करना। अब ब्लड किस तरीके से अपनी किडनी के अंदर आएगा वो देख लेते हैं। ये जो आर्टरी और वेन्स लगी हैं उसके थ्रू अपना ब्लड किडनी के अंदर आएगा। और किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को पता तो होगा ही, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस नेफ्रॉन्स की वजह से ही अपना ब्लड फिल्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, नेफ्रॉन के अंदर वो प्रोसेस चली, उसके प्रोसेस के चलने के बाद जो बाहर आएगा यूरिन वो यूरेटर ट्यूब के थ्रू बाहर कहाँ से जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद यूरेटस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये हमारी किडनी की एनाटॉमी थी। मतलब क्या, ब्लड आया वेन्स के थ्रू किडनी में गया, नेफ्रॉन में जाके फिल्टर हुआ, फिर फिल्टर होने के बाद यूरेटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद यूरेटस के थ्रू बाहर चला गया। एक सिंपल सी एनाटॉमी थी किडनी की। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई भी गलती हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।